भाई ना हिक हों कुनीयत औलाद की तरफ होंगी लकब अता शुदा होंगे कुनीयत औलाद की तरफ जिमें मेरे मौला अली की कुनीयत अबुल हसन एक कुनीयत है अबुल हसनैन एक कुनीयत है बोलो इवें मेरे अलमा वाले की कुनीयत है अबुल फजल एक किताब वाला लिखता है कि सिर्फ एक कुनीयत अपने बेटे की वजह तो नहीं कि पुत्र फजल है ता अबुल फजल है एक किताब हाजिर बैठा तो जुमला गिन भाई सफ हिक हो जमात होंगी है जो भी सफ होवे ता जमात होंगी है रल गई तो हूँ वह कजा न करना बाबा हा सफ खड़ो के तो कजा न की करना मैं वह प्यादा कि सिर्फ अबुल फजल बेटे की वजह तो नहीं मेरे ख्याल में लंबा थी गया थोड़े चेहरा तो इवें लगता कि मैं ढेर पड़ गया मैं थोड़ा मूड है तो अस बंद करके आए थोड़े को मैं थोड़े वास्ते पढ़ता खड़ा ना मैं को पता है मैं इन उतू मैं थोको कितना वाला लफ्ज थोड़े हवा बंदा ता रुक वेंदे मैं पता है जो अगला लफ्ज कितना वजनी है जेड़ा मैं थोको देवने वसूल करने वाले की झोली इंज ना हो तो मैं तले तो नहीं सटना किताब वाला लिखता है अबुल फजल का मकसद ये नहीं कि फजल का पीवे कुनीयत अबुल फजल इस्लाम वास्ते अबुल फजल सदे उन्हें आख नहीं नहीं अबुल फजल का माना यह कि जेड़ा फजल हुसैन कर सकता है वह अब्बास ही कर सकता है गल मुक्की नहीं किताब वाला लिखता है जेड़ा फजल हसन कर सकता है वह अब्बास ही कर सकता है जेड़ा फजल मौला अली कर सकता है वह अब्बास कर सकता है गल मुकी नहीं किताब वाले लिख दे जेड़ा फजल मुहम्मद मुस्तफा कर सकता है वह अब्बास कर सकता है मैं क्या या मैंने अपना तवसली सरकार वफा दे नाले और मैं तो हमेशा अलमा वाले को मंगदा जी कोई नाराज़ थी वे ता ही मंगदा कोई राजी थी वे ता ही मंगदा के ख्याल है जी मेरे तवसल जो सरकार नाले किताब वाले लिख दे गल मुकी नहीं जेड़ा फजल अल्लाह कर सकता है वह अब्बास कर सकता है जी भी सुनो एक कुनीयत अबुल फजल नाम एक है अब्बास बोलो कुनीयत अबुल फजल अलकाब ढेर ही नलमा वाले दे मैं ढेर सारे अलकाब तो नहीं पढ़ सकता बाबुल हवाइज बाब दर को आ दिन दर को वो दरवाजा दर दरवाजा होंगे बाब दर को आ दिन जेडे सुनते बैठे मैं उन्हें सुने दखल बाब दर को आ दिन ये दर है वो दर है हर कहते दर दरवाजे जेड़े भी होंगे उनके उत्ते कुछ ना कुछ लिखो हुआ होंगे कोई नहीं होंगे मलक जाफर तैयार ये उन्होंने घर है दरवाजे के उत्ते लिखा हो कोई नहीं लिखा होंगे कई बंदे इवें सुनते पे जी मैं पहली दफा गल पे कर गेट के दरवाजे ते लिखा इमाम बारगाह यकीनन इमाम कोटे जी बाजार चले वजो दुकान के उ लिखो है मेडिकल स्टोर यकीन अदवियात है कोई मैं किस होर चीज़ चाहिए है तो बंदा अगर वेंदे होर चीज़ गिंद मेडिकल के दरवाजे ते वन के बंद सब्जी तो नहीं पुछता मेडिकल स्टोर से जो पुछते बेवकूफ है क्योंकि वो चीज़ इतना है ही नहीं मेडिकल स्टोर से वैसो तो उतो सिर्फ अद्वियात के बारे पूछ सकते हो होर कोई चीज़ अगर डिमांड करे सो तो थोड़ी गलती हाजिर बैठे हो या नहीं इवें करके जिस दुकान तू जड़ी चीज मिलती है जेड़ा बोर्ड लगा हो जी उतो कुथों मिल सकती तवज्जो जेड़ी जेड़ी दुकान ते जेड़ा जेड़ा बोर्ड लगा हो अच्छा उतू तो आपको वह ही एक चीज मिल सकती है दूजी नहीं तो जो है
एक कड़कार वाले पखे को बंद करूँगा ना होले होले, ये जो भाई वी चल दे खड़े नहीं को बंद करो चा खेड़ है हूँ सारा मजमा दे दा है बंद नहीं करें ना बस ठीक हो गया ठीक हो गया। तवज्जो है हूँ थारी तो मौला जिंदगी करे अल्लाह तो को कहें मोहताज ना करे थारी तो अपना मूड है जो पखे तो देखो चो तो सारे चले दे जो जाकर मिन्नत करे तो दे दे ई तो थोड़ी मर्जी थी गल से हाँ थोड़ा अपना मूड है से हाजिर बैठे हो मैं गल मुकम्मल करा तो इंतजार मुकाम मादी खान मैं प्यादा भी भाई जुरिया जेड़ा भी मुर्तजा जिंदगी हो भी दरवाजे ते उत्ते लिखो है मेडिकल स्टोर उतु दवाई तो बगैर कोई नहीं मांग सकते करियाने की दुकान है उत अंदर बन के तू जी चीज गिरनी है उसकी मुतलका गिरनी हट के कोई चीज नहीं मांग सकते जै दरवाजे ते वो उत एक शाय मिलती बाबुल हवैज दमान है हाजत वाला दर इतना ही शाय नहीं मेरे अलमा वाले दे दर हाजत वाला दर जेड़िया जेड़िया इन्नी मेरे मौला बास दे दरवाजे ते आ बाबुल हवैज जो है बीमार है शिफा मांग गरीब है रिज्क मांग कैदी है रिहाई मांग ओ सौ बुहा जो फिरो ते पूरी न पोवे ते हिको बाबुल हवैज दे दर ते लगे होते सारिया मनी वंजन के ख्याल है जी माती थई आवना चाहिए ना बोलो बाबुल हवैज हाजत वाला दर इत ही मैं आदर रहा मैं गरंटी नाल पियादा मेंबर ते हाथ रख के पियादा जेड़ा बंदा दे मैं परेशान हाँ हर चंद दी चार को नियाज पका मेरे अलमा वाले दी ये गल करके रुख बदलेंदा पिया हर चंद दी खैर जी क्योंकि चार दी आमद है ना सही हर चंद दी चार नियाज अलमा वाले दी इन नियाज जड़ी होंदी नियाज दे मोहताज नहीं नियाज ही एक याद होंदी है जी मैं एक बंदा वादा जी भाई को बंद करो भाई खड़कार रहे दे यार मैं को पढ़ाने वाला बह देवारी चलावे चा हाजिर बैठे हो नियाज एक याद है बंदे आदे ने सही इतो को हुने याद करें दे बैठे से कोई गल आई ता ये नियाज याद है वी ही देगा नहीं डू डू नहीं एक हिक नहीं पांच किलो नहीं एक किलो आधा किलो महीने बाद जेड़ा बंदा मौला अब्बास दी नियाज महीने बाद एक किलो नहीं पका सकता वो किवें आख सकदा जो मैं तो कुछ याद करें ना याद करें तो पका और कितनी चीजें जड्डा भी तुसा नियाज खादी करो शिफा समझ के खादी करो भैया मेरे देखें भाई मेरे खेले जाकर जिद करें अब जाकर आखे मेरे देखते आप जिद की तब पिछा देखण थे तक पता मैं फजूल गाली जो करें खड़ा तो तू क्यों सुने चाहिए ना उस बंदे को भाई जो समझेंदे बे फजूल थी पे गल वो को नहीं सुननी चाहिए अगर तक पता जो मैं उन्होंने जिक्र पे करें जिन्होंने किरदार कुरान है तो वह तेरा अपना नसीब है ना कितनिया चीजें जिन्हां दे विच शिफा है लंबा थी गया मैंने मौला फिर मैं न्याज खादी कर शिफा है वी प्लेटा खा गया कर इंदा ना शिफा नहीं एक अद्धा चम्मच खा शिफा वास्ते खा कोई सुनते पे हो या नींद रो मेरे मौला पे फरमाते हैं मोमिन दे झूठे च शिफा है अगे मैं शायद गुजारिश की थी भी फरमान सुनावना चाहता जेडे नहीं सुनते बैठे मर्जी जेडे सुनते बैठे उन्होंने को मेरे मौला फरमाते हैं मलिक जी जेडे मजलिस ही जाया कर मेरे मौला फरमाते लंबे लंबे साग दे कर
जिम्मे डॉक्टर लंबे साह गिन मौला ओ क्यों सही फरमाए मजलिस से लंबे साह गिन से ना मैं इमाम जामे ना बीमारियां मुकवे सुनी मालिक थोड़ी जिंदगी कर जी न्याज पकावन दी एहतियात न्याज वंडन दी एहतियात न्याज खावन दी एहतियात अजू सही जमन शाल मेरे भाई हैं उनमें कुछ साहब है असा जरा न्याज पकेंदे अस किवें पकेंदे जब जो बंदा सारे न्याज पकेंदे अलमा वाले दी उंदा एक खब्बा हाथ अस एहतियातन पिछू इवें कपड़े नाल बन छोड़ेंदे जो भूल के भी इस्तेमाल न करे कोई सुनते पे जो कोई ना जी बिस्मिल्लाह न्याज दी एहतियात मटीरियल उवो है समान सारा उवो है भाई हर मासूम दी न्याज है मौला बास दी हाजरी है हाजरी सदें दी वास्ते मेरा बाबुल हवैज फरमाइंदा है जित मेरी न्याज पके उत मैं हाजिर थींदा जैंदी जबान मौला बास दे जिक्र च नहीं बोल सकदी बंदा मर्जी करे जेड़े बंदे बोलेंदे पे मैं कुछ जवाब दियो जाए घर दे उते अलमा वाले दा अलम लगा हो वे उत्था भी पक्षी पर नहीं मरेंदा तो जितना हर महीने दी चार अलमा लो खुद तशरीफ गिनावे वो घर च बरकत की में ना हो वे जी बिस्मिल्लाह जी मालिक महफूज बस सैयदा भी थोड़े तराजी हो मौला खुद तशरीफ गिना बाबुल हवैज जो मंगो मेरे मौला को चार दे अदद ते मैं मसाए पढ़ता पिया इवें बिल्कुल मुकेंदा पिया एक मैं छह मिनट च पढ़ गिंदा चाहवा तो मैं भी पंजी मिनट च पढ़ सकदा लेकिन एक मैं कोशिश बिल्कुल मुख्तसर करके मेरे अलमा वाले दी चार दी आमद है मैं आख्या हर महीने दी चार कुनियाज पकाई कर आधा किलो पका गिन लेकिन जब चार शाबान आवे वध ज्यादा पकावे वो मखसूस नहीं है मेरे मौला दी आमद दा और यार हर कहें दिया सुन दे ओ ते मैं सैयदी हाँ हुसैन दा जाकिरी हाँ मजलेसी है ते मौला दे पाक मिंबर ते हाथ रख के प्यादा न्याज शुरू तक कर तेरे घर दे हालात न बदलें तो मैं हुसैन दा जाकिरी नहीं तू कर तो सही कोशिश तो कर तवज्जो है ना सही चार दी आमद भाई मैं चार दे अदत मैं आखे मसाइब पे पढ़दा बिल्कुल ही कदा वैंड करे सा हाजिर बैठे होता चार दी आमद थोकू पंजवे लफ्ज ते पता लग सी जो मैं किथे पहुंच गया ये पांच लफ्ज तो सुनो पांच लफ्ज सुनो पंजवे लफ्ज ते वते दसाए मैं किथा चार दी आमद चार साल आलिया बीबी पाले जेको मसले ते दाइयां घेन वेंदे मेरे मौला को चाहिंदी चार दी आमद बिस्मिल्लाह बस थोड़े चेहरे गमगीन हो गए चार साल आलिया बीबी पाले चार साल बाबे नाल कूफे रहन चार हथियारा नाल बायक वक्त जंग करें दा यलमा वाला चार दफा हुसैन को इजाजत मंगी है चार दफा घोड़े को दरिया च दाखिल किया बस मैं तो हूँ मुकाई ना खड़ा मुकाई ना खड़ा चार दफा घोड़े को दरिया च दाखिल कर मलिक जी चार दफा दरिया च दाखिल करने का मतलब घोड़े को दरिया दे दाखिल करके वत घोड़े को टिबे ते आन चढ़ेंदे हैं नौ लख दो देख क्या देने ई द माण आई ये जड़ा बतूल दियां धीयों को पानी ना वे देंदे यो पानी है चलो रो पे तो हिक कदला उसमें भी आखा पानी कौन ही आस नहीं मैं बहुत अल्लाह नहीं पींदा था तवज्जो है गल खत्म चलो इंतजार मुकेंदा पिया यही मौलाना साहब दा लफ्ज़ जी थोड़े हवाले पिया करें ऊ पे फरमाते हैं तुसें जुमला दे रहा जो सोने की कीमत सराफ पेंदे ये जुमला पता नहीं कौन घिनसी एक मौलाना साहब फरमाते हैं कि इतना करबला चो कोई शहीद कोई जवान नहीं लड़ा मैदान जितना करबला च अलमाला अपने आप ना लड़े
शब्बीर दी चुप च चुप। मैं सदके जी जी मैं नौकर से मैं लखवारी जी जी मैं नौकर से चलो इवें ठीक इवें कोई नहीं लड़ा जिमें अलमाला अपनी जात ना लड़ा। मैं सदके थी पुम जितने बंदे मेरी गल सुनते पे मातमी आजादा रहो जेडे बंदे हाय करके रोंदे पे दहवीं दी रात ते तकरीबन अद्धी रात गुजर गई आई अलमाला आ खड़ा खैमन दे दरवाजे ते जिथे सारे असहाबी बैठे हैं इवें खड़ो के अलमाले डिठे फिर मैंने तुसा साहबी हो मैं नौकर हाँ असहाबी बोल सकते नौकर नहीं बोल सकते तो बाकी बची खड़ी है अद्धी रात ये जितने साहबी बैठे हो ना तुसा अगर सारे रल के अद्धी रात की छुट्टी मैकू गिनदे हो ना ये नी उभरन तो पहले कूफे दे दारुल खिलाफत अब हुसैन दा आलम ना होवे तो मैं अब्बास क्यों हां। बाबा मोह चले थे याद होंदे नो गाजी को चुप खा गई। मैं सदके थी बस मैं ज्यादा पढ़ गया भाई मेरे हिस्से दे आंसू आ गए इंतजार खत्म। वत पे आदा चार दी आमद चार साल सहन पाले चार साल बाबे ना रहन चार हथियार नाल बयक वक्त जंग करेंदे हैं चार दफा इजाजत मंगी ने चार दफा घोड़े को दरिया च दाखिल किया ने जड़े बंदे आए करके रोंदे पे अब्बास दी लाश दे चार हिस्से किए ने एक मैदोरे क्या दिन मारो इन्दे छोड़ा वना लो कोई नहीं एक मैदोरे क्या दिन मारो इन्दे मान मुक गए आवाज आंदी है मारो हुण बुरका सौखा लाजी जी बाबा मैं नौकर मैं लखवारी आखा जड़े बंदे नौकर सही इथे ही मुखेंदा पिया जी बाबा मैं नौकर अलमाल जीन तू जमीन ते थोड़ा जी आवाज रिवाए भाई जीन तू जमीन ते अलमाल आए मजलों में करबला पहुंचे दो शहीदिन जलालपुर आलियो जिन्हां दे जनाजे बरामद नहीं थींदे मेरे कोल पुछो केड़े ही के मेरा अलमा वाला शेर इन्हां दा अलम बरामद होंदे जनाजा नहीं दिया मेरा मौला हुसैन उन्हां दा जुल जना होंदा है मेरे कोल पुछो इन्हां दे जनाजे बरामद क्यों नहीं होंदे अल्लाह गवाह है जनाजे उन्हां दे होंदे ने जिन्हां दियां लाशां चवीएं हुसैन दे चावण वाला कोई नहीं अब्बास दी लाश चावण दे काबिल नहीं नौ लखा दई मारो हुसैन दे मान दा ना अब्बास बस इतनी काफी।